हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 31 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप studysmart.guru पे जा सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहले हम पिछला क्वेश्चन देखते हैं जो मैंने आपसे पूछा था कि भारत ने किस देश को मीजल्स और रूबेला से लड़ने के लिए टीके की 30,000 खुराकें भेजी हैं। तो इसका सही आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स के लिए भारत ने ये 30,000 जो डोजेज हैं वैक्सीन्स की भेजी हैं। ओके, अब इसका सही आंसर जिन्होंने दिया है, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके नाम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर आपको भी पता होता है जो क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर, तो आप जल्दी से जल्दी दीजिएगा उसका आंसर, ताकि मैं अगला वीडियो बनाने से पहले आपके कमेंट को यहाँ पे दिखा सकूँ। आज का क्वेश्चन लेते हैं। लिखा हुआ है कि इस देश ने सबसे अधिक ऊंचाई के फैशन शो कार्यक्रम का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो ये फैशन शो हुआ था नेपाल में। चौथा वाला ऑप्शन इसका सही है। ओके, याद रखिएगा, क्योंकि फैशन शो और नेपाल जैसे देश को लेकर के कई बार आप कोरिलेशन नहीं बना पाते हैं। तो नेपाल में सबसे अधिक ऊंचाई, जब ऊंचाई की बात हो रही ना, तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेपाल में ऊंचाई के लिए ही प्रसिद्ध है, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है। तो वहाँ से आप याद रख सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं, वहीं पर सबसे ऊँचा ये फैशन शो हुआ था। किसने आयोजित कराया था? तो ये है द माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे ऑर्गेनाइज्ड बाय आरबी डायमंड्स एंड कासा स्टाइल्स। और इसका मतलब जो इवेंट था, इसका नाम था द माउंट एवरेस्ट फैशन रनवे। ओके, और इसकी अल्टीट्यूड अगर पूछा जाए, वैसे तो नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में, तो भी आप समझ सकते हैं कि ये 5,340 मीटर की ऊंचाई पर इसको आयोजित कराया गया था। डॉक्टर ऑफ लेटर्स डिग्री हेतु कलकत्ता विश्वविद्यालय पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो ये जो डॉक्टर ऑफ लेटर्स की डिग्री है, या फिर ये जो अवार्ड है, ये दिया गया है अभिजीत बनर्जी को। ओके, पहला वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अभिजीत बनर्जी, जिनको अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स का, उनको ये जो कह सकते हैं डॉक्टर ऑफ लेटर्स की जो डिग्री पुरस्कार के रूप में प्रदान करी गई है। कौन सा राज्य शहरी बेरोजगारों के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के तहत अब 365 दिन कार्य के साथ 5,000 स्टाइपेंड देगा? पहले इसमें जो कार्य था वो 100 दिन तक का था, और जो स्टाइपेंड था वो 4,000 रुपये का था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 5,000 कर दिया और काम को 365 दिन कर दिया गया है। ये योजना है मध्य प्रदेश की सरकार की। सेकेंड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? कमलनाथ। भारत प्रतिवर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में किस दिन मनाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारतीय रेलवे के किस रेलवे जोन ने अपनी पहली एसी लोकल ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये पहली एसी लोकल ट्रेन जो है, ये जो सेंट्रल रेलवे है वो शुरू कर रहा है। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। और आपसे अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ के बीच चलेगी, ध्यान रखिएगा एसी लोकल ट्रेन है। ओके, तो ये चलेगी थाने से पनवेल के बीच में। ओके, ये चलेगी, और इसकी जो पायलट हैं वो महिला पायलट हैं। ओके, और वो कौन है? मनीषा महास्के, ये पायलट हैं। ये पूछा जा सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड है, क्योंकि पहली एसी लोकल ट्रेन है तो उसकी पहली महिला पायलट भी कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बता देंगे। आरबीआई द्वारा किस कार्यकारी निदेशक को एमपीसी का सदस्य नियुक्त किया गया है? एमपीसी का मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो इसके जो सदस्य हैं ये नियुक्त किए गए हैं जनक राज। पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है, ये एमडी पात्रा की जगह ले रहे हैं। आईसीई फ्यूचर्स यूरोप ने किसके साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आईसीई फ्यूचर्स यूरोप ने यहाँ पे BSE के साथ जो है ये समझौता किया है। BSE का मतलब क्या हो गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके साथ समझौता किया है। और ये क्या है ICE? तो ये है, इट इज़ एन ऑपरेटर ऑफ ग्लोबल एक्सचेंज एंड क्लियरिंग हाउस। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए BSE के MD CEO कौन है, तो आशीष कुमार चौहान इसके MD और CEO हैं। लापता व्यक्तियों की खोज से संबंधित दो ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएँ किसके द्वारा शुरू की गई हैं? तो ये दो ऑनलाइन राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं हैं, आपको पता है, लापता व्यक्तियों के लिए हैं। ये शुरुआत की है इसकी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने। ओके, थर्ड वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। UN ने भारत की गीता सभरवाल को किस देश में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो गीता सभरवाल बनी हुई हैं थाईलैंड की ये रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर, या फिर कह सकते हैं UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर। UN यहाँ पे पहले आ चुका है, UN ने अपॉइंट किया है इसको, UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कहा जाता है।
भारत के साइक्लिस्ट एसओ अल्बेन ने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 30 जनवरी को। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व उपेक्षित रोग दिवस मतलब वर्ल्ड निग्लेक्टेड डिजीज डे, ये मनाया जाता है 30 जनवरी को। थर्ड वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। भारतीय रेल ने कितने रूटों पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चुने हैं? तो अभी जो कॉरिडोर है अभी एक तैयार हो रहा है मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 6 और नए कॉरिडोर चुने हैं जहां पे बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ओके, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसकी कैपेसिटी लगभग 1 लाख लोगों की है, इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पे पूछा जाए तो आप बताएंगे हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, महिला से रिलेटेड है और पेशेवर फुटबॉलर बनने वाली महिला हैं, ये हैं बाला देवी। सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। आपको अगर पता हो कि इनको कौन से क्लब ने साइन किया हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आपके लिए सवाल एक और है कि रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने किस विश्वविद्यालय में उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो DRDO एक टेक्नोलॉजिकल सेंटर इस्टेब्लिश करेगा, सेटअप करेगा कौन से विश्वविद्यालय में, आपको इसका आंसर बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, जितना जल्दी कमेंट करके बताएंगे उतना ही अच्छा होगा, कमेंट आपका सही होगा तो अगले वीडियो में मैं उसको फीचर जरूर करूँगा। और आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाइए studysmart.guru पे, जहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।